नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इसमें हम पीडियाट्रिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेकर आज डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी को इसमें इंक्लूड किया है। उम्मीद करते हैं आप सभी इसको पूरा पढ़ेंगे और इसमें ना केवल कोई एक आधा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बल्कि हर लाइन इसकी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हो सकता है वो हमने इसमें डाला है और उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद भी आएगा। यदि आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस पे जो अपना सजेशन है वो कमेंट कीजिए, अन्य फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बिना कोई देर किए। हमारा टॉपिक है नियोनेटल सेप्सिस। नियोनेटल सेप्सिस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जाम्स में आता रहता है और इसका हम जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इसमें देखते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें देखा गया है वो हम सब इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप देखिए क्या होता है इसका डेफिनेशन। कोई भी सिस्टमिक इन्फेक्शन एक नियोनेट में, वो होता है नियोनेटल सेप्सिस। कैसा इन्फेक्शन? सिस्टमिक इन्फेक्शन, सिस्टमिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा वो, उसको हम नियोनेटल सेप्सिस बोलेंगे। ठीक है, इसको हम देखते हैं। अर्ली ऑनसेट सेप्सिस होता है वो फर्स्ट 24 आवर्स में देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली। ठीक है, ये पूछा गया था कि अर्ली ऑनसेट सेप्सिस इज सीन विद इन, तो उसमें 24, 34, 36 और 72 ये ऑप्शंस थे। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा वो 72 आवर्स के अंदर ही देखने को मिलता है। और इसके लिए जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होंगे वो कौन से होंगे, बेबी के होंगे या फिर उसकी मदर के होंगे? तो ऑब्वियसली जो मैटरनल जेनाइटल ट्रैक्ट में ऑर्गेनिज्म होंगे वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। आप इसमें देख सकते हैं ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, ई कोलाई, क्लेप्सिला, ये सब इम्पोर्टेंट हैं, इन कारण से होता है। अब हम इसमें से ये भी बताएंगे कौन सा किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इनमें से क्या क्वेश्चन आता है वो हम अगले स्लाइड्स में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें यही थी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन नियोनेट में सिस्टमिक और अर्ली ऑनसेट होता है वो 72 आवर्स में देखने को मिलता है। कहाँ से डिराइव्ड होते हैं ये? जेनाइटल ट्रैक्ट से, मदर के जेनाइटल ट्रैक्ट से। ओके, अगला हम देखते हैं रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क फैक्टर देखिए मदर का डिलीवरी का टाइम और बेबी का, ये सब चीज़ें देखते हैं। तो मदर में मैटरनल फीवर होगा, ऑब्वियसली वो खुद इन्फेक्टेड है, उसको कुछ इन्फेक्शन है इसीलिए फीवर है। अगला हम देखें फाउल स्मेलिंग लिक्वर, स्मेल लिक्वर का जो स्मेल आ रहा है वो फाउल आ रहा है, इसका मतलब वो इन्फेक्टेड है। और PROM, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, वो भी एक मैटरनल रिस्क फैक्टर है। और डिलीवरी की बात करें तो मल्टीपल पीवी एग्जामिनेशन करेंगे तो ऑब्वियसली क्रॉस इन्फेक्शन होगा, कंटामिनेशन का चांसेस ज़्यादा है। प्रोलॉन्ग्ड लेबर है, डिफ़िकल्ट लेबर है तो आप इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन करेंगे। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड है मीन्स रप्चर हो गया मेम्ब्रेन्स और इसलिए ऑब्वियसली वो एक्सपोज हो गया तो इन्फेक्शन जाएगा, ये सब इसमें डिलीवरी का रिस्क फैक्टर आ गया। बेबी का बात करें तो बेबी प्रीमेच्योर होगा तो इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं हो पाएगी, और LBW है तो भी वो भी वही कंडीशन है कि वीक है। अगला हम देखते हैं कि और रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे, कि लेक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, मल्टीपल नीडल प्रिक्स, लेट ऑनसेट की बात कर रहे हैं, लेट जो ऑनसेट होगा इन्फेक्शन मतलब 72 आवर्स के बाद, ये है कि 72 आवर्स के बाद जो होगा इन्फेक्शन उसकी बात कर रहे हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा हो, मल्टीपल नीडल प्रिक्स हो, सुपरफिशियल इन्फेक्शन जिसमें स्किन और अम्बाइलिकल कॉर्ड को इन्वॉल्व करते हुए इन्फेक्शन हो जाता है, LBW बेबी होगा और प्रीमेच्योर, ये सब लेट ऑनसेट के रिस्क फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मोस्ट इफेक्टिव या इम्पोर्टेंट मेथड टू प्रिवेंट नियोनेटल सेप्सिस, नियोनेटल सेप्सिस को प्रिवेंट करने के लिए उसमें क्या है? प्रॉपर हैंड वॉशिंग, केयर गिवर है वो प्रॉपर हैंड वॉशिंग करेगा कम से कम 2 मिनट तक, 6 स्टेप फॉलो करने हैं और वो 2 मिनट तक उसको केयर गिवर को करना है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इफेक्टिव यही है। अब हम देख लेते हैं इसमें अर्ली और लेट ऑनसेट वाला। अर्ली वाला मैंने बताया 72 आवर से पहले होगा, रिस्क फैक्टर मैंने बता दिया मैटरनल फीवर है, फाउल लिक्वर है, PROM है, ये सब इसमें देखने को मिलता है, कोरियोमनियोनाइटिस। मोस्ट कॉमन कॉज वर्ल्ड में जो रहेगा वो है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। यदि आप केवल मोस्ट कॉमन ही पूछे तो भी आंसर ये जाएगा, वर्ल्ड का पूछ ले तो भी आंसर ये जाएगा। ठीक है, मोस्ट कॉमन कोच इंडिया का पूछे तो आपका क्लेब्सिला जाएगा,
क्लेप्सिला नहीं है तो स्टेफ ओरियस जाएगा। पहला क्लेप्सिला आएगा, दूसरा स्टेफ ओरियस आएगा, ये दोनों ध्यान रखने की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट की बात करें हम तो ट्रीटमेंट आएगा एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन, एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन इसका ट्रीटमेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, सबसे रिलेट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछे जाते हैं दोनों के, वो आपको ध्यान रखना है। केवल मोस्ट कॉमन पूछेगा तो आपको ग्रुप बी स्ट्रेप्टो कोकस आंसर देना है। यदि स्पेसिफिक पूछ लिया वर्ल्ड का या इंडिया का, वर्ल्ड का आएगा तो भी स्ट्रेप्टोकोकस ही आएगा, इंडिया के रिलेट इंडिया से रिलेटेड पूछा है तो आपको क्लेप्सिला और स्टेफ ओरियस, यदि दोनों हो तो इनमें से एक क्लेप्सिला को चूज करना है। ठीक है, अगला हम देखते हैं लेट ऑनसेट, ये होगा 72 आवर्स के बाद में। मोस्ट कॉमन कोज क्या है जो लेट ऑनसेट होता है, मतलब कहाँ से उसको इन्फेक्शन मिल रहा है, वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होगा मोस्ट कॉमन कोज। ठीक है, और वर्ल्ड में जो पूछेंगे हम, ठीक है, कि वो किस कारण से हो रहा है, तो आपको इसमें देखना है कोगुलेज नेगेटिव स्टेफ ओरियस। ठीक है, तो कोगुलेज नेगेटिव स्टेफ जो स्टेफाइलोकोकस होता है वो इसमें मोस्ट कॉमन कोज है वर्ल्ड में। इंडिया में वही स्टेफ ओरियस और क्लेप्सिला रहेगा। मेनिनजाइटिस सबसे ज़्यादा होने का चांसेस रहता है, उसमें सीएसएफ एग्जामिनेशन करते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो जब यहाँ पे हम एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम सेफोटेक्सिम और अमिकासिन यूज़ करना है। ये ट्रीटमेंट दोनों का कंपेरिजन आप देख सकते हैं। सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी मैंने बताया, इस स्लाइड को आप अच्छे से याद करिएगा फ्रेंड्स। इसमें से हर मतलब जब भी कोई क्वेश्चन आता है नियोनेटल सेप्सिस से रिलेटेड, तो इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता है, और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछा जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, लेट ऑनसेट अर्ली ऑनसेट, ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखना है, 72 आवर्स से पहले और 72 आवर्स से बाद रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतना इम्पोर्टेंट स्लाइड है, इसी को आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा। अगला हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि पुअर फीडिंग रहेगी, और वो क्या है फीडिंग बिहेवियर उसका अल्ट्रेशन रहेगा, मतलब वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर डिस्टरबेंस हो सकते हैं, हाइपोथर्मिया और फीवर दोनों ही हो सकता है उसको। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है, तो जब रेस्पिरेटरी रेट कम है मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए ब्लड को, तो हार्ट क्या करता है जो पल्स रेट है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलता है। सीएनएस की बात करें तो वो इरिटेबिलिटी, सीजर्स आने लग जाते हैं ऑब्वियसली ऑक्सीजन की कमी से, श्रिल कराई ज़्यादा जोर से नहीं चिल्ला पाता, धीरे धीरे रोता है, ये सब इसमें क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। आगे जो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की बात करें तो फीड इनटॉलरेंस देखने को मिलता है। मेटाबॉलिक बात करें तो हाइपोग्लाइसीमिया एसिडोसिस, आपको पता ही है एसिडोसिस क्यों हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा प्रॉपरली। ठीक है, सीवियर सेप्सिस हो जाएगा, सीवियर सेप्सिस फाइनली लास्ट में होगा जब बहुत ज़्यादा मतलब आपने उसका ट्रीट नहीं किया, तो शोक हो जाएगा, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाएगा। स्क्लेरेमा, स्क्लेरेमा क्या होता है, जनरलाइज्ड नॉन फिटिंग एडिमा, जनरलाइज्ड नॉन फिटिंग एडिमा होता है जो सीवियर सेप्सिस में नियोनेट्स में देखने को मिलता है, और इसमें सीवियर हाइपोथर्मिया भी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज स्क्लेरेमा, स्क्लेरेमा देखने को मिलता है, एक ईडिमा है जो सीवियर सेप्सिस में नियोनेट्स में देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए मैंने इसको बार बार इस पर जोर डाला है, और इसके अलावा बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम देखते हैं कि स्क्रीनिंग कैसे करते हैं अर्ली डायग्नोसिस के लिए। TLC देखते हैं जो 5000 से कम हो या तो, या फिर 20000 से ज़्यादा हो गई हो, मतलब दोनों का रेंज आपको ध्यान रखना है, 5000 से 20000 के बीच रहना चाहिए वो ठीक है, लेकिन 5000 से कम और 20000 ज़्यादा है तो वो सेप्सिस दिखा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं बोल रहा कि 5 से 20 तक बढ़िया है, पर 5 से 11 तक ठीक है अपने हिसाब से, 20 से क्रॉस कर गई तो इसका मतलब सेप्सिस है। फिर हम देखते हैं PS फॉर ब्लड बैंड सेल्स या इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो वो मोर देन 20% है, तो आपको देखने को सेप्सिस देखने को मिलेगा। माइक्रो ESR करेंगे, माइक्रो ESR तो उसमें मोर देन 15 mm फॉल इन फर्स्ट ओवर, पहले ही घंटे में 15 mm से ज़्यादा फॉल कर गई है RBCs। ESR मीन्स होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, उसके बैठने की दर, तो वो नॉर्मली 6 mm मानते हैं हम शुरू के 3 दिन तक,
ठीक है 6 mm पर ओवर, लेकिन वो 15 mm से ज़्यादा फॉल कर गई तो ये दिखाता है सेप्सिस। और CRP प्रोलैक्टिन रेशियो ये पॉजिटिव आता है तो आपको सेप्सिस का चांस देखने को मिलता है। लेट सेप्सिस जिसमें मेनिनजाइटिस मैंने बताया, तो आपको उसमें लंबर पंक्चर करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, आगे हम ये देखते हैं कि सपोर्टिव टेस्ट, इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे और लंबर पंक्चर CSF स्टडी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करते हैं यदि हम, तो सपोर्टिव केयर जो एक नर्सिंग स्टाफ को करना होता है उसको NICU में शिफ्ट करेंगे, IV फ्लूड देंगे, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहे, नॉर्मल टेम्परेचर रहे, और बाकी कार्डियक मॉनिटरिंग वगैरह सब करना है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात करें तो वही एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन और सेफोटॉक्सिम देते हैं मेनिनजाइटिस में जब वो सस्पेक्टेड हो, तो यही एक ध्यान रखने की ज़रूरत है। इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया है सारी स्लाइड्स में, इनको आप रटिएगा। क्वेश्चंस जो बनेंगे वो भी हम अपलोड करेंगे जो बनते हैं इनसे, ठीक है। पहले हम एक बार थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं, फिर बाद में हम इससे रिलेटेड MCQs लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, एक बार फिर से कहना चाहूँगा, यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।